लिटरली कोई नहीं है यहाँ पे, एक को कोई एक इंसान नहीं है। और ये वाटरफॉल देखो भाई साहब, वो गंगा की उछाल 80 का ये घाट देखो रे देखो रे, मेरी नजर से भारत की सौगात देखो रे। नदियों की धारा भी है और उनका संगम भी। भैया कोई अगर ऐसे मेरा नाम लेके आ गया तो थोड़ा उसको डिस्काउंट दे दीजिए। हाँ ठीक है सर, तो इससे ज़्यादा लोग आ जाएंगे यहाँ पे। कोई नहीं कोई नहीं, आपको भेज करेंगे चलेगा। ठीक है ना, अभी फ़ोन लेके जा रहा हूँ, अभी फ़ोन गिरता और देख सकते हो इधर तक ही आ रहा है। गुड मॉर्निंग, तो अभी बज रहे सुबह के 5:30 और मैं अभी जा रहा हूँ पटना वाटरफॉल्स। तो एक्चुअली मैंने ये स्कूटी रेंट की थी, तो अभी सुबह 10 बजे देनी है मेरे को। तो फिर मैं बोला कि भाई एक तो मैं 12 बजे आया कल पूरा त्रिवेणी घाट राम झूला और गुरुद्वारा का दर्शन लेके, तो फिर मेरे कुछ बचे थे अभी सनसेट पॉइंट बचा था, वो तो मैं खैर कवर नहीं कर पाया अभी, आज कल भी नहीं कर पाऊँगा, आज भी नहीं कर पाऊँगा। और फिर मैं सोचा कि पटना वाटरफॉल्स बचता है तो वो करेंगे, तो अभी वो उधर ही जा रहे हैं और फिर उधर से डायरेक्ट गंगा मैया में स्नान करने जाएंगे। तो ये 2 प्लान है और उसके बाद सब होने के बाद थोड़ा मार्केट एक्सप्लोर करेंगे, एक तो चेकआउट करने के बाद या फिर चेकआउट करने के पहले। तो या बहुत धीरे बोल रहा हूँ क्योंकि सुबह के 5:30 बज रहे। तो या लेट्स गो। मेरा हॉस्टल और ये मेरी स्कूटी जो मैंने रेंट की है। भाई साहब फाइनली मैं अपना कितना ऑलमोस्ट आधा घंटा हो गया, आधे घंटे की राइड के बाद मैं पहुंच चुका हूँ पटना वाटरफॉल्स। और भाई साहब यहाँ पे कुछ ऐसा बोर्ड भी नहीं लिखा है, मतलब कुछ इशारा वगैरह साइन बोर्ड कुछ नहीं है। मतलब भाई यहाँ पे एक बोर्ड था एक छोटा सा लाल ग्रीन कलर में और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ दिख गई मेरे को, फिर समझ गया कि भाई यही पटना वाटरफॉल्स है। मतलब बहुत कम लोगों को पता है शायद, और मतलब अच्छी बात भी है, मतलब कि कम लोग आए तो ही अच्छा है, नहीं तो फिर पोल्यूशन कर देते। तो भाई जहाँ तक मैंने सुना था कि ये 1 किलोमीटर का ट्रैक है, तो 1 किलोमीटर का ही होना चाहिए वरना मुझसे नहीं होगा जेन्युइनली, क्योंकि बहुत ज़्यादा एग्जॉशन हो रहा है बहुत दिनों से। बाकी चलते, ये देखो अभी प्रॉपर ट्रैक चल हो गया है वाटरफॉल के ऊपर से होके जाने। अभी अकेले के लिए भाई मुश्किल है भाई, 2 फोन संभाल के, और देखते अभी कैसा कर सकते। लेट्स गो। जिधर खड़ा हुआ वहाँ से तो 190 मीटर दिखा रहा है, आई होप यही हो सच्ची का डिस्टेंस। भाई साहब अगर मैं उधर रुकता तो भाई मैं फिसल जाता या मेरी चप्पल फिसल जाती, ऐसा हो जाता। आप देख सकते हो यहाँ पे एक स्टॉप है, मतलब कुछ खाना पाना मिलता होगा शायद से दिन में, अभी तो खैर सुबह कोई नहीं है। एक अंकल गए भाई, मैं बोला इतनी सारी गाड़ियाँ कोई दिख क्यों नहीं रहा इंसान, एक अंकल दिखे वो आगे चले गए। और मतलब लिटरली वाटरफॉल के ऊपर से रास्ता नहीं है, एक साइड साइड से होके जाता है मोस्टली, और काफ़ी अच्छे मतलब स्लिपरी पत्थर नहीं, एकदम भक्कम पत्थर है, तो आप इजीली चढ़ सकते हो, स्लिप नहीं हो सकते। अभी एक पॉइंट ऐसा आ गया था कि भाई ये 2 रास्ते जाते हैं, एक ये रास्ता और एक ये पीछे वाला रास्ता, तो भाई मैं कंफ्यूज हो गया था, तो मैं भाई तुक्का लगा कि ऊपर चला गया, फिर समझा कि नहीं तो कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि वो कुछ तो ऋषिकेश आश्रम भी ऊपर ही है और कोई तो गाँव भी है, तो इसीलिए फिर मैंने यूट्यूब वीडियो देखा, 2-3 व्लॉग्स में देखा, एक व्लॉग में पता चला कि ये ऐसा सेम जहाँ पे अभी मैं खड़ा हूँ यहाँ पे एरो दिया गया हुआ है, आपको दिखाता हूँ मैं। 2 डाइवर्जन आता है, एक ये ऊपर गांव को जाता है और ये वाटरफॉल को जाता है। तो बेसिकली ये देखो ये बोर्ड है, अभी इसका रंग भी उतर गया है और यहाँ पे लिखा हुआ है रत्ना वाटरफॉल्स, मतलब वही ये पटना वाटरफॉल्स। तो भाई ये ध्यान रखो क्योंकि मैं हो गया था कंफ्यूज, आप कंफ्यूज ना हो इसीलिए अभी जा रहा हूँ। अरे ये बोले थे 1 किलोमीटर है बट पता नहीं ख़त्म क्यों नहीं हो रहा ये। आ गए, ये आप शॉप याद रख लो, शॉप के सामने एकदम ठीक, ये एक छोटा सा काइंड ऑफ
पूल है, नेचुरल पूल है। और ये देखो भाई वाटरफॉल, ये ऋषिकेश का वन ऑफ द हाईएस्ट वाटरफॉल है। और शायद से लगता है कि कोई नहीं है, मैं ही अकेला आया हूँ, क्योंकि भाई एक भी लोग यहाँ पे दिखे नहीं मुझे वाटरफॉल का जो रास्ता है उधर जाते हुए। और वाटरफॉल के पास आए हो तो लोग थोड़ा शोर शराबा तो करते ही है, वो भी कुछ सुनाई नहीं दे रहा, मैं अकेला ही आया हूँ शायद से। वो झरना जो था नेचुरल झरना, मतलब लाइक पॉन्ड टाइप, वो काफ़ी बढ़िया था। ये रास्ता किधर से है? लिटरली कोई नहीं है यहाँ पे, एक कोई एक इंसान नहीं है। और ये वाटरफॉल देखो भाई साहब, वो भाई क्या ही, मैं मतलब कंफ्यूज हो गया था, इतना रास्ता कंफ्यूजिंग था ना भाई। बेस्ट वाटरफॉल है आई गेस यही है, ऊपर से भी शायद जा सकते बट नहीं जा रहा हूँ मैं। वाटरफॉल में भीगने वाला हूँ, पहले थोड़ा शूट करूँगा उसके बाद भीगूंगा। गंगा की उछाले अस्सी का ये घाट देखो रे, देखो रे, मेरी नजर से भारत की सौगात देखो रे। नदियों की धारा भी है और उनका संगम भी, थोड़ी थोड़ी खुशियां हैं थोड़ा थोड़ा गम भी। चेले का चेला है जिन पे ना देला है, मौज मजे सी नजोरी की गुद्दारी की दुनिया ये देखो रे, दुनिया ये देखो रे। एक बात बोलना चाहूँगा कि मतलब एक ही स्ट्रीम है ना, मतलब आप देख सकते हो एक ही ऐसा फ्लो है, तो अगर बहुत ज़्यादा बारिश होती है ना तो और यहाँ से बहुत पानी बहता है, बहुत ज़्यादा पानी बहता है। तो अभी शायद से मानसून गिरा नहीं है या मानसून ख़त्म होने को आया है, पता नहीं, बट एक ही यहाँ पे झरना बह रहा है। और झरने होते ना एंड आई एम श्योर बहते हो गए बहुत सारे झरने, बट अभी फ़िलहाल तो एक है, तो एक झरने में ऐसे मज़ा नहीं आया टू बी ऑनेस्ट। और झरने होते तो मज़ा आया, बट जो भी था जैसा भी था आई लाइक इट, मतलब मैं वाटरफॉल पर्सन हूँ। और वाटरफॉल पर्सन होने के यही है कि भाई कौन सा भी वाटरफॉल दो भाई, छोटा हो मोटा हो कोई भी चल जाता है वाटरफॉल। वो जो एक छोटा सा नेचुरल पूल बना है ना, वहाँ पे भी एक बार जाऊँगा, बाकी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया यार, मज़ा आ गया। इसमें मैं जा रहा हूँ और इसमें जा रहा हूँ एक्चुअली, तो ये मुझे मतलब लगता तो नहीं ज़्यादा गहरा है, बट ऐसा लग रहा है पता नहीं क्यों, बट थोड़ा सा गहरा लग रहा है, बट थोड़ा रिस्क लेके जा रहा हूँ मैं। पहले यहाँ पे फ़ोन रखता हूँ और फिर जाता हूँ। तो भाई अभी मैं गया, फ़ोन बिना फ़ोन के गया था, तो ज़्यादा गहरा नहीं है, अभी फ़ोन लेके जा रहा हूँ। अभी फ़ोन गिरता और देख सकते हो इधर तक ही आ रहा है पानी, इधर तक ही आ रहा है। तो भाई मतलब आराम, मतलब ये वाटरफॉल देख के आप यहाँ पे बस बैठ सकते हो। तो अभी यहाँ पे जो दुकान में भैया बैठे वो आए, एक एक पे एक कोई तो इंसान दिखा, खुशी हुई मेरे को, तो उनसे पूछा कि भाई यहाँ पे लोग नहीं आते क्या, तो बोले आएंगे आएंगे, अभी तो जस्ट सुबह हुई है। फिर मैंने घड़ी चेक की, फिर देखता हूँ कि 7 ही बजे अभी, मतलब मैं भाई इतनी जल्दी निकल गया था कि मैं सुबह 4:30 बजे उठ गया था, 5:30-6 के आसपास में ऑलमोस्ट निकल गया था मेरे रूम से। तो अभी यही है, बाकी चलते नीचे उतरते, बहुत मज़ा आया। ये जो नेचुरल पॉन्ड है ना वो मस्त लगा मुझे, और मैं ज़्यादातर बैठ सकता था, बट अभी गंगा स्नान करने जाना है मुझे। खैर अभी तो ये इधर स्नान कर लिया है, बट फिर भी एक बार ऐसे क्या बोलते वो, अपने तसल्ली के लिए करने वाला हूँ गंगा स्नान।
अरे वाह वाह। तो जैसे आपने बात सुनी तो यहाँ पे ये भैया है, यहाँ पे इनकी शॉप है। तो अगर आप यहाँ पे आते हो वाटरफॉल पे तो यहाँ पे इनकी शॉप में ज़रूर विज़िट करना। और भैया कोई अगर ऐसे मेरा नाम लेके आ गया तो थोड़ा उसको डिस्काउंट दे दीजिए। हाँ ठीक है सर, तो इससे ज़्यादा लोग आ जाएंगे यहाँ पे। कोई नहीं आपको भेज करेंगे, चलेगा, ठीक है ना। बाकी आप क्या 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 बेचते हो यहाँ पे? मैं यहाँ पर चाय, मैगी, कॉफ़ी, बन मक्खन। अच्छा। और यही मतलब थोड़ा सा शराब सलूक लगा देता हूँ। सही है, उसको मसाला का मतलब मेरे को तो खाने की इच्छा थी आपके आज की, बट अभी बहुत जल्दबाजी है मेरे को तो निकलना पड़ेगा। अगली बार अगर फुर्सत से आऊँगा कभी ऋषिकेश तो आऊँगा आपकी खाने, आपका हाथ का खाने। ठीक है, चलेगा, थैंक यू, धन्यवाद। तो या अभी चलते नीचे, भी डायरेक्ट कुछ व्लॉग नहीं करूँगा। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। बाकी अगर आपको मेरा जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो यहाँ से बहुत नज़दीक है, 150 किलोमीटर है, तो अगर आपको वो देखनी है प्लेलिस्ट तो यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। बाकी अगर आपको मेरे दिल्ली के व्लॉग्स देखने तो यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में। टिल देन चैतन्य पिंपुटकर साइनिंग ऑफ।